विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बारे में, आइए देखते हैं। मोहसिन नकवी हैज मेड ऑल द राइट नॉइसेस, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बीसीसीआई को कुछ ऐसा नहीं बोला। आज जरूर उन्होंने कहा स्टेडियम रेडी है आपका, नहीं नहीं वो 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 आपकी मैनेजमेंट अलग हो गई, मतलब स्टेडियम वो तो मिसमैनेजमेंट होगी ना, तो फिर नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट की बात, स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी आज। लेकिन आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? हाँ। उसमें उन्होंने मुझे लगता है इशारों इशारों में ये कबूल लिया है, ये कबूल लिया है कि इंडिया नहीं आएगा। कैसे? उन्होंने बोला है कि मतलब आज आज उनकी टोन में ना लग रहा था कि जैसे हमारे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये है वो है, आती है तो जी हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्या करें। और बीसीसीआई ने आईसीसी वाला भी बोला उन्होंने कि उनको कुछ लिखा नहीं, लिखा उन्होंने उन्होंने ये कहा है। आप बोल रहे हैं उन्होंने पता क्या कहा है आज, जो उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं आते तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना इनके साथ यानी इंडिया के साथ बीसीसीआई के साथ बड़े तरीके से अब तक अपना रवैया रखा। एक उससे पहले उन्होंने ये बात कही कि भाई ऐसा हमसे कोई इनकी बातचीत नहीं हुई है, रहा सवाल हाइब्रिड मॉडल का, उस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है और वो तो हम मंजूर भी नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला। वो तो अब देखो मैं वही राइट नॉइसेस की बात कर रहा हूं, वहां पर अब मीडिया भी तो वो करता था ना, हमने यहां से बोल दिया कि यार ये चल रहा है, देखो एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये, वहां से वो नहीं नहीं हो सकता। अरे देखो एक इमोशन हो के बहक जाना वर्सेस फैक्चुअली जो आपको दिख रहा है वो देखना अलग दो चीजें हैं ना। और दूसरी बात है कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अभी भी एज वी स्पीक ऑप्शंस तो तीन ही थी ना, तीन ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन था, आपने तीसरा ऑप्शन क्रिएट क्यों किया? क्योंकि मैं बता रहा हूं पहला ऑप्शन इलिमिनेट हो चुका है, वो माने ना माने पहला ऑप्शन तो बहुत पहले इलिमिनेट हो चुका था, बहुत पहले। ठीक है, आईसीसी जो गोरे हैं वो सोच रहे थे कि क्या यार पहला ऑप्शन हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक हो जाएं। अंदर से तो आपको तो पता ही है आईसीसी पिछले छह महीने पिछले वर्ल्ड T20 के बाद से उन्होंने कह दिया था हाइब्रिड के अलावा। राहुल अब दिक्कत क्या है कि उन्होंने स्टेडियम्स का भी आज बोला है। क्या बोला उन्होंने देखो ना आपने, बोलते हैं कि जी 31 दिसंबर तक तो हो जाएगा और पांच दिन और कुछ फाइन ट्यून फाइनल टचेस हैं उसमें, दो एक हफ्ते लगे। उन्होंने उनको पहले करना चाहिए था, उनको अपने स्टेडियमों पे अगर काम करना था आपको पता आप थोड़ा पहले करते। स्टेडियम तो नहीं लाएंगे, कहता है पिचेस हम ड्रॉप इन लाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, नहीं उसमें इशू ये है ना। अब जो तीसरा ऑप्शन है पहला इलिमिनेट हो चुका है, जो दूसरा था हाइब्रिड, तीसरा था ऑल टुगेदर बाहर, तीसरा ना अभी डार्क हॉर्स है ऑप्शन, मैं तो अभी मानता हूं तीसरे के चांसेस भी हैं। मतलब डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब बन रह गया होगा, हालांकि देखो बट तीसरे में है ना कि तीसरे में बाकी सबकी अरेंजमेंट्स और नहीं नहीं अरेंजमेंट्स से रातों रात हो जाते हैं, बट वैसे में बट मैं आपको बताता हूं अब क्या होगा मनोज। कभी कभी ना ये साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, कभी कभी ना ये बिजनेस टूल्स ये होते हैं कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप कहते हो भैया कितने का, वो कहता है जी 400 रुपए का, आप शुरू करते 200 की चीज है, 150 का है यार, है ना। दूसरी ऑप्शन उसको वो कहता नहीं जी नहीं 350 की ले लो, आप कहते नहीं है मैं जा रहा हूं, फिर आपको कहेगा जी आपको भी पता 150 की नहीं है, आप उसको 350 में लेना चाहते हो बट आपने उसको कहा 150 में देना, तो भैया मैं जा रहा हूं, वो कहता मैडम प्लीज 350 की ले लो। तीसरी ऑप्शन मुझे आज भी लगती है इज अ वो डराने वाली उनको कि वरना पूरी ही बात चले जाएगी। यस मोस्ट लाइकली होगा वो हाइब्रिड ही, और वो लॉजिकल भी है उनका, उनका ये लॉजिकल भी है बिकॉज देखो अगर उनके स्टेडियम तैयार हो जाते हैं, अगर सिक्योरिटी कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें जाके खेलने को तैयार है, हाइब्रिड मुझे और तीसरा ऑप्शन मुझे लगता है राहुल वो थोड़ा सा ना नहीं नहीं वो ठीक है, हाँ हाँ झूल देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप देख आपने वीडियो में देख लिया है कि भारतीय जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने मोहसिन नकवी के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है और चैंपियन ट्रॉफी के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है। इंडियन मीडिया चाहता है कि ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई या श्रीलंका में हो, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।